महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर सियासत अब भी गरमाई हुई है। बीते साल 2022 में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे संग 39 विधायकों के साथ मिलकर बगावत की और आज देखा जाए तो 16 बागी विधायक हैं जो अयोग्यता को लेकर इस वक्त चर्चा का विषय बने हुए हैं। जानकारी दे दें कि चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट के हवाले किया शिवसेना पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है और 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर अब फैसला सुनाएंगे विधानसभा स्पीकर। बड़ी बेंच के हवाले ये मामला किया जा चुका है और साफ कह दिया गया है कि राज्य में शिंदे की सरकार बरकरार रहेगी और वहीं उद्धव ठाकरे की सरकार को बहाल नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया था। फ्लोर टेस्ट से पहले ही उन्होंने हार मान ली थी। अब देखा जाए तो आखिरकार विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर का क्या कुछ कहना रहता है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि राहुल नार्वेकर को लेकर लगातार महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से बयानों का दौर जारी है क्योंकि यहां पर पक्षपात का आरोप उन पर लगाया जा रहा है। राहुल नार्वेकर ने हाल ही में साफ किया है कि 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर वह आखिरकार कब अपना अहम फैसला सुनाएंगे। राहुल नार्वेकर ने साफ तौर पर कहा कि जब उनसे पूछा गया कि 16 बागी विधायकों की अयोग्यता पर फैसला कब होगा, इस सवाल पर उनका कहना यह रहा कि जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें उचित समय के भीतर ही फैसला लेना है। वह कहते हैं कि वह वाजिब अवधि कितने दिनों में होगी मैं आज आपको नहीं बता सकता क्योंकि प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक समय उचित नहीं है। वहीं दूसरी ही तरफ उनका कहना रहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता के संबंध में जो याचिकाएं दायर की गई हैं हम इस पर जल्द से जल्द फैसला लेने की कोशिश करेंगे। ये एक बड़ी प्रक्रिया है, इस पर फैसला आसानी से नहीं लिया जा सकता है। वह कहते हैं कि इससे पहले किसकी राजनीतिक पार्टी है इसे तय करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच के बाद फैसला लेने का निर्देश दिया है, इसलिए हम संविधान के सभी प्रावधानों पर विचार करने के बाद ही इस पर फैसला लेंगे। वहीं दूसरी ही तरफ ठाकरे गुट पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। ठाकरे गुट जिस तरीके से मांग कर रहा है कि 15 दिनों के भीतर इस पर अहम फैसला सुना दिया जाए, तो राहुल नार्वेकर कहते हैं कि मैं विधानसभा हॉल के बाहर की गई टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं करता हूं, मुझे इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत भी नहीं है। तो किसी ने 15 दिन, किसी ने 20 दिन, तो किसी ने यहां पर 2 महीने के भीतर फैसला मांगा है, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं देता। मैं कानून के प्रावधानों के मुताबिक ही फैसला लूंगा। मैं किसी को खुश करने के लिए फैसला नहीं ले सकता। ये प्रक्रिया 15 दिन में पूरी होती है तो 15 दिन में फैसला लिया जाएगा, अगर इसमें देरी होती है तो देरी में फैसला लिया जाएगा। मैं किसी के आरोपों से डरने वाला नहीं हूं, राहुल नार्वेकर साफ तौर पर कह चुके हैं। यानी कि देखा जाए तो बागी विधायकों की अयोग्यता के मामले में फैसला अब भी नहीं आने वाला है, इस पर थोड़ा सा वक्त लगेगा। तकरीबन 9 महीनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 1 साल अब होने को जा रहा है। जून के महीने में बगावत की गई थी और अब देखा जाए तो यहाँ पर शिवसेना पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर तो सियासत गरमाई हुई थी, लेकिन 16 बागी विधायकों की अयोग्यता अगर जाती है तो यहाँ पर सवाल बार बार यही बनता है कि सरकार अगर अल्पमत में आ जाएगी तो शिंदे की सरकार गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर आंकड़ों पर अगर रुक किया जाए तकरीबन 105 विधायकों का आंकड़ा बीजेपी के पास है, तो वहीं शिंदे के पास तकरीबन 35 विधायकों का आंकड़ा फिर भी रहेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।